आओ मूल प्रसंग में हम सब प्रवेश करें। इधर श्री नाभाजी महाराज की मैया नाभाजी को गोद में लेके आज गांव छोड़ के चल दिए। एक एक करके सब ग्रामवासी गांव छोड़ के जा रहे हैं। भीषण अकाल पड़ा हुआ है, जल की एक बूंद तक नहीं है, और आज नाभाजी की मैया भी नाभाजी को गोद में लेके चली है वन की ओर। गोदी में छोटे से नाभाजी हैं। चलते 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 मार्ग में जंगल आया। जंगल के मार्ग पे नाभाजी की मैया चल रही है। भूख प्यास से व्याकुल हैं, कितने ही दिनों से भोजन का ग्रास नहीं मुख में गया, कितने ही दिनों से जल की बूंद मुख में नहीं गई। भूखी प्यासी वो मैया छोटे से नाभाजी को लेके चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। इधर चलते चलते जब कुछ समय बीता और नाभाजी को गोद में लेके चलना मैया के लिए मुश्किल हो गया, शरीर में अब सामर्थ्य नहीं रहा, शरीर में इतना बल नहीं रहा, शरीर में इतनी ताकत नहीं रही, इतनी शक्ति नहीं रही कि अब नाभाजी को गोद में लेके वो चल पाए, तो मैया ने नाभाजी को एक वृक्ष के नीचे बैठाया और कहा, बेटा तू यहां आराम से बैठ कुछ देर, मैं थोड़ी दूर जंगल में जाके देखती हूँ, कहीं कुछ जल मिल जाए तो जल लेके आऊं तेरे लिए, कहीं कुछ फल फूल मिल जाए तो तेरे लिए फल फूल लेके आऊं, तू यहां से हिलना मत, कहीं जाना मत, कहीं इधर उधर मत जाना, बस मैं तेरे लिए जल की व्यवस्था करके लाती हूँ। और श्री नाभाजी महाराज को उनकी मैया ने एक वृक्ष के नीचे बैठा दिया और चलने लगे, चलने लगे, चलते चलते बहुत दूर निकल गई। जल तो दूर की बात है, जल की उम्मीद भी कहीं नहीं दिख रही थी, सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा हुआ चारों तरफ। चलते 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 मैया का स्वास्थ्य गिरने लगा, शरीर शिथिल होने लगा, शरीर कांपने लगा। कितने ही दिन से भूखी प्यासी है वो मैया, जल की खोज में निकली है, जल कहीं नहीं दिखता, कहीं कोई फल नहीं दिखता, कहीं कोई हरे पत्ते नहीं दिखते, कहीं हरी साख नहीं दिखती, चली जा रही है। और एक स्थान पे आके श्री नाभाजी की मैया को चक्कर आने लगी, शरीर गिरने लगा, पैर कांपने लगे और मैया गिर गई। मैया को लगा कि अब शरीर प्राण धारण नहीं कर पाएंगे, अब ज्यादा देर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, मेरे लाला का क्या होगा, मेरे नाभा का क्या होगा, मेरे बालक का क्या होगा। बालक को दूर बैठा के आई हूं, कह के आई हूं कि बेटा कहीं जाना मत, मैं तेरे लिए जल की व्यवस्था करती हूं, लेकिन कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अचेत होके भूमि पर गिर जाती है मैया। और उस समय श्री ठाकुर जी को पुकारती है मैया, के अपने अपने घरन की, के अपने अपने घरन की, सब काहू को पी। अपनी अपनी तो सब चिंता करते हैं, अपने जनों की तो सब चिंता करते हैं, अपने घर परिवार की तो सब चिंता करते हैं, प्रभु मुझे भी चिंता है, लेकिन आप अपनी चिंता नहीं करते, इसलिए आज आपसे प्रार्थना कर रही हूं क्या, कि अपने अपने घरन की, कि अपने अपने घरन की, सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। हे सरकार, आपको सबकी चिंता है, आप सबकी चिंता करते हैं,
हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक वृंदावन बांके बिहारी हैं, वृंदावन बांके बिहारी हैं, वृंदावन बांके बिहारी हैं। सरकार अपनी अपनी चिंता तो सब करते हैं, लेकिन अब इस जंगल में मुझे पता चल गया है, इस वन में मुझे पता चल गया है कि कोई नर, कोई मानव, कोई मनुष्य सहायता के लिए नहीं आ सकता। अब तो केवल सहायता कोई कर सकता है तो कोई नर नहीं, केवल नारायण ही सहायता कर सकते हैं, केवल नारायण ही सहायता कर सकते हैं। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें चिंता सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। सरकार अब तो आपसे ही प्रार्थना है, अब तो आप ही के आगे विनती है, आप ही संभालो, आप ही संभालो, आप ही संभालो। जब तक शरीर पे विश्वास था, शरीर के सहारे चली, अपने पे बल था, अपने में बल था, जब तक उसके बल चली सरकार, अब लगता नहीं कि प्राण ज्यादा देर तक मेरा साथ दे पाएंगे। छोटा सा बालक है, वृक्ष के नीचे बैठा के आई हूं, उसकी कौन चिंता करे। सबको आपने संभाला है, उसे भी आप ही संभालोगे। हे दीन बंधु दीनानाथ, हमारी सुध लो प्रभु जी। दीन बंधु, अब तो आसरा, अब तो विश्वास, अब तो सहारा केवल आपका शेष बचा है सरकार। अब कहीं और आसरा नहीं दिखता, अब कहीं और सहारा नहीं दिखता, अब कोई और दिखता ही नहीं आपके सहारे। सरकार वो बालक पितृहीन बालक है, नेत्रहीन बालक है, उसे कुछ दिखता नहीं है सरकार, केवल आपके आश्रित है। अब तो आप ही संभालो, आप ही संभालो। और श्री नाभा जी की मैया ने प्रार्थना की, जंगल में बेसुध पड़ी हैं, अचेत पड़ी हैं, शरीर में शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी आज गोविंद को पुकारा है उन्होंने दोनों भुजा पसार के। और प्यारे याद रखना, सुख का साथी सब जगत, दुख में ना साथी कोए, और दुख का साथी साईया केवल श्याम प्यारा है। आज श्री नाभा जी की मैया भक्त वत्सल करुणा निधान भगवान को पुकार रही है, आओ हम सब भी तो उसी स्थिति को प्राप्त हैं, क्यों ना आज उन मैया की करुण पुकार में अपने स्वर को मिलाते हुए हम भी आज इस अवसर में अपने मन की व्यथा सरकार से कह दें, इस करुण पुकार को सरकार के चरणों तक पहुंचा दें। एक बार पुकारू जरा भाव से आप सब हमारे साथ। तीनों के नाथ दयाल, हमारी सुध लो प्रभु जी। तीनों के नाथ दीनानाथ, हमारी सुध लो प्रभु जी। तीनों के नाथ दीनानाथ, हमारी सुध लो प्रभु जी। तीनों के नाथ दीनानाथ, हमारी सुध लो प्रभु जी। तीनों के नाथ दीनानाथ, हमारी सुध लो प्रभु जी। हे हमारी सुध लो प्रभु जी, हमारी सुध लो प्रभु जी। हमारी सुध लो प्रभु जी। सरकार इस निर्जन वन में अब नर से सहायता नहीं मांगी जा सकती, अब किसी मनुष्य से सहायता नहीं मांगी जा सकती, अब तो नारायण केवल आपका ही सहारा है। इसलिए आप हमारी करुण पुकार को सुनो, आप शीघ्र अति शीघ्र हम पर कृपा बरसाओ सरकार। हमारी सुध लो प्रभु जी, हमारी सुध लो प्रभु जी। हमारी सुध लो प्रभु जी, हमारी सुध लो प्रभु जी। ओ तीनों के नाथ दीनानाथ, हमारी सुध लो प्रभु जी। तीनों के नाथ दीनानाथ, हमारी सुध लो प्रभु जी। ओ तीनों के नाथ दीनानाथ, हमारी सुध लो प्रभु जी। तीनों के बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
जन बेहाल प्रभु जी भीषण अकाल से, जन जन बेहाल प्रभु जी भीषण अकाल से, जन जन बेहाल प्रभु जी भीषण अकाल से, सभी गाइए, जन जन बेहाल प्रभु जी भीषण अकाल से, कठिन है गुजारा अब तो पत्तों से छाल से, कठिन है गुजारा अब तो पत्तों से छाल से, कठिन है गुजारा अब तो पत्तों से छाल से, कठिन है गुजारा अब तो पत्तों से छाल से, विपद में निभावे कौन साथ हमारी सुध लो प्रभु जी, विपद में निभावे कौन साथ हमारी सुध लो प्रभु जी, विपत्ति में निभावे कौन साथ हमारी सुध लो प्रभु जी, विपत्ति में निभावे कौन साथ हमारी सुध लो प्रभु जी, हे हमारी सुध लो प्रभु जी, 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 तीनों के नाथ तीनों नाथ हमारी सुध लो प्रभु जी, तीनों के नाथ तीनों नाथ हमारी सुध लो प्रभु जी, ओ तीनों के नाथ तीनों नाथ हमारी सुध लो प्रभु जी, तीनों के करुणानिधान की जय हो, नेत्रहीन पित्तहीन बालक बेचारा, नेत्रहीन पित्तहीन बालक बेचारा, नेत्रहीन पित्तहीन बालक बेचारा, नेत्रहीन पित्तहीन बालक बेचारा, भैया ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही सरकार, छोटा सा बालक है मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे सा बालक है, ना तो नेत्र है उसके, ना तो उसे दृष्टि है, नेत्रहीन है, और सरकार मेरे बाद उसे कोई संभालने वाला भी नहीं, उसके पिताजी का भी देहांत हो चुका है, एक दो वर्ष का था जब ही उसके पिताजी का देहांत भी हो गया, और सरकार अब मुझे लगता है कि मैं भी कुछ पलों के बाद मेरे भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, इसलिए सरकार आपके बिना उसे कौन आसरा देगा, कौन सहारा देगा, कौन संभालेगा, आप एक बार कृपा पूर्वक निहारे तो सही उस बालक की ओर सरकार, एक कृपा की बूंद तो बरसाएं, एक कृपा की कोर तो करें उस बालक की ओर सरकार, एक बार मेरी प्रार्थना पे गौर तो कीजिए सरकार, नेत्रहीन पितृहीन बालक बेचारा, नेत्रहीन पितृहीन बालक बेचारा, नेत्रहीन पितृहीन बालक बेचारा, नेत्रहीन पितृहीन बालक बेचारा, तुम बिन इस वन में कौन दे
देगा सहारा। तुम बिन इस वन में कौन देगा सहारा, तुम बिन इस वन में कौन देगा सहारा, तुम बिन इस वन में कौन देगा सहारा। सुध लो प्रभु जी, हमारी सुध लो प्रभु जी, हमारी सुध लो प्रभु जी, हमारी सुध लो प्रभु जी, हे हमारी सुध लो प्रभु जी, हमारी सुध लो प्रभु जी, हमारी सुध लो प्रभु जी, आप से पुकारिए लो प्रभु जी। भय बेसहारे, दुर्दिन के मारे दे दे भय बेसहारे, दुर्दिन के मारे दे दे भय बेसहारे, दुर्दिन के मारे दे दे भय बेसहारे। नारायण प्रभु जी पल में बिगड़ी सवारे, नारायण प्रभु जी पल में बिगड़ी सवारे, नारायण प्रभु जी पल में बिगड़ी सवारे, नारायण प्रभु जी पल में बिगड़ी सवारे। जिन्होंने झुकाए सन्मुख माथ हमारी सुध लो प्रभु जी, जिन्होंने झुकाए सन्मुख माथ हमारी सुध लो प्रभु जी, जिन्होंने झुकाए सन्मुख माथ हमारी सुध लो प्रभु जी, जिन्होंने झुकाए सन्मुख माथ हमारी सुध लो प्रभु जी, हे हमारी सुध लो प्रभु जी, 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 हे हमारी सुध लो प्रभु जी, हमारी सुध लो प्रभु जी, हमारी सुध लो प्रभु जी, हमारी सुध कार्य भाव से प्रभु जी। तीनों के ना हमारी
पुकारी दीनानाथ हमारी सुध लो प्रभु जी के नाथ दीनानाथ हमारी सुध लो प्रभु जी दीनों के नाथ दीनानाथ हमारी सुध लो प्रभु जी हे हमारी सुध लो प्रभु जी हमारी सुध लो प्रभु जी हमारी सुध लो प्रभु जी दीनानाथ हमारी सुध लो प्रभु जी श्री नाभा जी की मैया तरुण पुकार कर रही है वन में बस एक भरोसा है कि अब तो अगर कोई सहारा दे सकता है तो केवल श्री भगवान ही सहारा दे सकते हैं अब कोई संभाल सकता है तो केवल श्री भगवान ही संभाल सकते हैं करुण पुकार कर रही है कर रही है कर रही है रो रही है बिलख रही है तड़प रही है सरकार मैं तो कुछ समय के बाद मुझे लगता है मेरा जीवन समाप्त तो होने वाला है लेकिन मेरे बालक का क्या होगा उस छोटे से नाभा का क्या होगा सरकार कौन संभालेगा एक बार मेरी करुण पुकार पर ध्यान करो एक बार अपनी कृपा को और करो सरकार कौन संभालेगा आज उस निर्जल वन में इस भीषण अकाल में आज नाभा की माँ नाभा को आपके कर कमलों में समर्पित करके जा रही है सरकार मूर्छित हो जाती है अचेत हो जाती है और कुछ देर के बाद मैया पुकार करती करती रोती 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 अपने प्राणों का त्याग कर देती है त्याग कर देती नेत्रहीन बालक तजी नेत्रहीन बालक तजी ताही विपिन मझार भोजन हित बन में भ्रमत माता गई सिधार माता गई सिधार इधर नाभा जी की मैया वन में सिधार जाती हैं शरीर त्याग देती हैं माता जी की मृत्यु हो जाती है और आज नाभा जी जब जन्म हुआ तब नेत्रहीन थे जन्म के एक दो वर्ष के बाद पितृहीन हो गए और आज नाभा जी मातृहीन भी हो गए आज मैया भी छोड़ के चली गई आज मैया भी छोड़ के चली बहुत समय बीता मैया लौट के नहीं आई मैया लौट के नहीं आई बालक आश्रयहीन भो पर्यो अकाल चपेट फिरत पुकारत खोजत पर माँ से भई ना भेट पर माँ से भई ना भेट पर माँ से भई ना भेट अपने स्थान से उठे कभी इधर ढूंढते हैं कभी इधर ढूंढते हैं नेत्रों से दिखता नहीं कभी किसी वृक्ष से टकराते हैं कभी किसी पत्थर से टकराते हैं कभी कहीं गिरते हैं कहीं गई गिरते हैं लेकिन आज माँ नहीं मिल रही आज माँ समय बीता समझ गए कि इस भीषण अकाल में माँ भी मुझे छोड़ के चली गई अब इस वन में मेरा भी कोई और सहारा नहीं अगर किसी नगर में छोड़ के जाती तो किसी मनुष्य से किसी मानव से सहायता मांग सकता था कहीं और छोड़ के जा सकती तो किसी और से सहारा मांग सकता था लेकिन इस निर्जन वन में तो कोई नहीं है किससे सहारा मांगू और इस निर्जन वन में नाभा जी भी आज उस करुणा निधान से सहारा मांग रहे
लेकिन याद रखना प्रेमियों, हमने कहा ना कि भक्त अगर ठाकुर की याद में एक आंसू बहाते हैं तो वो करुणा निधान अपने भक्तों से मिलने के लिए इतने व्याकुल रहते हैं, भक्त की एक आंसू के बदले में वो करुणा निधान सौ आंसू बहाते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं। इधर नाभाजी का विलाप हो रहा है और करुणा निधान कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। क्यों? हमने कहा कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक वृंदावन बांके बिहारी हैं, वो बिहारी जी सबको सहारा देते हैं, सबको आश्रय देते हैं। नाभा जी के लिए भी कोई आसरा कोई सहारा श्री बिहारी जी महाराज ने सोच रखा है। अभी तो रात्रि हो चुकी है, जंगल में भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एकाएक एक वृक्ष के नीचे बैठ के अपनी माँ को याद कर रहे हैं। कल श्री नाभा जी महाराज के जीवन में एक नया सूर्य उदय होने वाला है। कल श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से उनके जीवन में सदगुरुदेव आने वाले हैं। और याद रखना प्रभु, जिनके जीवन में सदगुरुदेव का सहारा है, फिर उन्हें किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर उन्हें किसी और सहारे की नहीं आवश्यकता पड़ती। क्यों? क्योंकि श्री हरि ही, श्री ठाकुर जी ही सदगुरुदेव भगवान के रूप में नित्य अवतार लेके आते। ये संत वैष्णव कोई और नहीं है, ये संत वैष्णव साक्षात श्री हरि ही हम जैसे अधमों का उद्धार करने के लिए इस रूप में प्रकट होके आते हैं प्यारे। तो कल के प्रसंग में हम सब प्रवेश करेंगे। आज नाभा जी जंगल में बैठे हैं, इनकी मैया सिधार गई हैं और नाभा जी पूरी रात रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, माँ माँ माँ। और जब समय बीत गया तो समझ गए कि शायद माँ भी मुझे छोड़ के चली गई है और करुणा निधान को याद कर रहे हैं। आज के इस प्रसंग को यहाँ विराम दें संत वैष्णवों की कृपा से। कल ठाकुर जी कृपा करेंगे, पूज्य संतों का आशीर्वाद रहेगा, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी तो पूज्य श्री शरणागत आश्रम वाले पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना है कि जैसी तोतरी भाषा बनी, जो बालक कहे तोतरी बाता, कहे ही सुनई मुदित, कहे सुनई मुदित पितु अरु माता। तो जो तोतरी भाषा में कह पाए, वो शब्द जो बन पाए, उसे ठाकुर जी स्वीकार करें संतों के पावन सानिध्य में। लेकिन अभी पूज्य महर्षि के चरणों में प्रार्थना है कि वह अपनी रससिद्ध वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। शरणागत आश्रम वाले पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज अपनी रससिद्ध वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। एक बार जय घोष लगाओ, बोले संत भगवान की जय हो। आज हमारे मध्य हमारे श्री हरदास रसोपासना सेवा संस्थान से पूज्य बाबा महाराज भी पधारे हैं, उनकी करुणामयी उपस्थिति का भी लाभ हम सब ले रहे हैं। निकट विराजमान पूज्य बाबा महाराज और सदगुरुदेव भगवान की कृपा करुणा तो बरस ही रही है, समस्त संत वृंदों की कृपा बरस रही है। नित्य प्रति ही संत वृंद कृपा करने के लिए यह पधारेंगे, ऐसी प्रार्थना समस्त संतों के चरणों में हमने की है। बस भाव अगर हमारा सच्चा रहेगा तो संत वृंद कृपा करने के लिए यहाँ पधारते रहेंगे, ऐसी प्रार्थना सरकार के चरणों में करते हुए अब आप सब निवेदन करें पूज्य श्री शरणागत आश्रम वाले पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के चरणों में कि वह अपनी रससिद्ध वाणी से हम सबको जीवन का मार्गदर्शन करें और हम सबका जीवन कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए जय जय श्री राधे।